दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, सावधान हो जाएं क्योंकि आने वाले अगले 5 दिन का समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा तहलका मचाने जा रहा है। हैरानी वाला परिवर्तन अब आपके जीवन में अगले 5 दिनों में ग्रह नक्षत्रों द्वारा होगा। तो कृष्ण पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि है, सप्तमी तिथि है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, साथ में हस्त नाम का नक्षत्र हो रहा है, हस्त नाम के नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ जो ग्रहों के सेनापति हैं यानी कि मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और चंद्रमा अपनी राशि का संचार करेंगे। तो दोस्तों, मंगल का ये ग्रह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। अब सभी को जानेंगे विस्तार से इन 5 दिनों में आपके जीवन में कौन सा बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपका इसके ऊपर व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि, कारोबार, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक देने आया हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इन 5 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा। बड़ी बड़ी साजिशें आपके खिलाफ रची जाएंगी, बड़े बड़े यहाँ पर आप काम अंजाम देंगे, बड़ी बड़ी सफलताएं भी आपको मिलेंगी। परंतु आपको बता दें, जब आपका अच्छा समय आता है तब आपके शत्रु एक्टिव हो जाते हैं, जब आपका अच्छा समय आता है तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पीछे धकेलने का काम करते हैं। इसमें कुछ लोग आपके अपने होते हैं, कुछ पराए होते हैं। परंतु आपको बता दें तुला राशि वालों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है आपका अपना होता है, ना कि पराया होता है। तो यहाँ पर वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ पर तुला राशि की ज्ञानवर्धक वीडियो प्रतिदिन लाते रहते हैं। तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें क्योंकि तुला राशि वालों, आपका जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है। तो कंजूसी ना करें, शनिदेव का आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट जरूर करें। तो मित्रों, हम यहाँ बात करेंगे तुला राशि की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आने वाले अगले 5 दिनों में धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी। समय बहुत कम है, पहले ही आप सावधान हो जाएं। अगर सावधानी बरतेंगे तो बहुत बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिल सकती है। तुला राशि वालों, सबसे पहले आपको बता दें आपकी कुछ गलतियों के बारे में, वो गलतियाँ जो अगले 5 दिनों में आपको बहुत भारी पड़ने वाली हैं, इसलिए इनको अभी से रोक दें। सबसे पहली गलती ये है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम करने के विचार से अपना शहर त्याग कर किसी और शहर चले जाते हैं, जबकि उनका ऐसा कोई ख़ास मकसद नहीं होता। और देखिए, बहुत सारे तो ऐसे छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जिनके अपने शहर में काफ़ी अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती है अपने शहर के अंदर, परंतु फिर भी वो हवा में दूसरों से तुलना करते हुए बड़े बड़े शहरों में पढ़ने चले जाते हैं। अब वहाँ जाकर इन दोनों को इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पर महानगर में तो कोई काम की कमी नहीं है, परंतु काम के लिए समस्याएं बहुत उठानी पड़ती हैं। और दूसरा, विद्यार्थियों को ये समझ आता है कि यहाँ पर शिक्षा तो है परंतु पैसा बहुत लग रहा है, खर्चे बहुत हो रहे हैं, खर्चे जमाने के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फिर गलत संगत बहुत ज़्यादा है, लोग गलत संगति में बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, ऐसे में ये लोग ना तो उधर के रह जाते हैं और ना ही इधर के अपने घर के रह जाते हैं। आपकी हालत हो जाती है बिल्कुल धोबी के कुत्ते के समान, जो कि ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। आपको ऐसी गलती इन 5 दिनों के अंदर नहीं करनी है क्योंकि इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वही नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि धनवान होने के बाद भी दुखी हैं, ऐशो आराम है, ये आपकी गलतफहमी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी इंसान वो है जिसके पास ये तीनों चीज़ें हैं। सबसे पहला, जो बिना कर्जे के हो, यानी जिसके ऊपर कोई लोन ना हो, कर्जा ना हो या किसी तरह का कोई दूसरा कर्जा ना हो, उसे रात में चैन की नींद नहीं आती। और दूसरा वो इंसान जो सुबह शाम समय पर खाना खा लेता हो। और तीसरा इंसान वो है जो अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहता हो। जी हाँ दोस्तों, ये तीन चीज़ें अगर आपके पास हैं तो पैसा चाहे हो या ना हो मायने नहीं रखता, आप केवल एक सुखी इंसान हैं और हमेशा रहेंगे। अगर आपके पास भी ये तीनों चीज़ें हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं। इसके अलावा अगले 5 दिनों में कौन कौन से बदलाव होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। अगले 5 दिनों में कौन कौन सी विशेष घटनाएं आपके साथ घटेंगी, देखिए संतान की शिक्षा को लेकर आप यहां पर थोड़े से चिंतित नजर आएंगे, जिसके कारण आप किसी से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं।
लेकिन आपको उसमें ध्यान देना होगा कि वो आपको सही सलाह दे, तभी आप उस पर अमल करें, नहीं तो आप चिंता के कारण थोड़े से चिड़चिड़े भी नजर आएंगे, जिसके कारण परिवार के सदस्य भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बाकी व्यवसाय कर रहे लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा इन 5 दिनों के अंदर, जिसके कारण आप काफ़ी प्रसन्न नजर आएंगे। इसी के साथ अगर आपको कोई छोटी मोटी समस्या भी है तो इसके लिए आपको सेहत समस्या है, आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, ये ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि अभी समस्याएं छोटे स्तर पर नहीं हो रही हैं, बल्कि इसलिए बातों को गंभीरता से आपको लेना होगा। कोई भी बीमारी अगर आपको इन 5 दिनों के अंदर परेशान करती है, बाकी जीवन साथी का सहयोग मिलने से यहाँ पर आपकी काफ़ी समस्याएँ हल होने वाली हैं। और वहीं शाम के समय किसी सामाजिक व धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित होते हुए दिखाई देंगे, ऐसे आसार भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों दिन बहुत बढ़िया रहेंगे, यहाँ पर आप बुद्धि और विवेक से निर्णय को ले पाएंगे। यदि आप अपने व्यापार की किसी डील को फाइनल करते हैं तो इन 5 दिनों के अंदर साझेदार के कहने में बिल्कुल भी ना आए। अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल आपको हर काम में करना है, कोई भी निर्णय लेना है तो बाद में पछताना ना पड़े, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। इसके अलावा जो जातक सट्टेबाजी में निवेश करते हैं उनके लिए भी ये 5 दिन बेहतरीन हैं। यहाँ पर आपकी संतान के विवाह की बातें भी पक्की हो सकती हैं, जिसके कारण परिवार के सदस्यों में प्रसन्नता बनी रहेगी। और वहीं विद्यार्थियों की अगर बात की जाए, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के राज अपने साथियों को नहीं बताने हैं, नहीं तो वे इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी ज़िंदगी में एक और बात आप हमारी याद रखें कि लोगों की बातों की परवाह बिल्कुल ना करें। लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सब से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं कि भैया मीठा तो है, बाद में नमक लगा कर खाते हैं, यानी लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, हमारे मुंह पर हमारी अच्छाइयां करते हैं। और तुला राशि वालों, आपके साथ ऐसा बहुत होता है, जब लोग आपके मुंह पे आपकी तारीफ़ें करते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, पीठ पीछे आपके खंजर भोंकने का ये लोग काम करते हैं, तो हम क्यों लोगों की तरह जीते हैं, क्यों लोगों के हिसाब से जिए। हम तो वो करें जो हमारा मन चाहता है, इसी में हमारी प्रसन्नता है, हमारी भलाई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। अब इसके अलावा देखिए, आने वाले अगले 5 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी। आपकी किसी चलाचल संपत्ति का कोई विवाद भी हो सकता है तो वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। और यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ समय के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। साथ ही देखिए, यहाँ पर आपकी किसी वस्तु के चोरी होने की या खोने की आशंका बनी हुई है। और अपने व्यापार की कुछ योजनाओं को अगर आप किसी के साथ साझा करेंगे तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, इसलिए आपको अपने आसपास छुपे हुए गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। अपनी शान और शौकत पर भी आप यहां पर कुछ धन खर्चा करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसके कारण आपके शत्रु परेशान होंगे। अगर आप अपनी संतान को किसी कार्य को करने के लिए कहेंगे तो वो भी उसे पूरा कर लेंगे, जिसे देखकर आपके मन को काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। और अगर आप किसी समस्या को अपने पिताजी के साथ साझा करेंगे, पिता को बताएंगे, तो उसका भी समाधान खोजने में आसानी होगी, पिता आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपको अपने किसी परिजन के लिए कुछ रुपये का पैसे का इंतजाम करना पड़ सकता है, या आपका कोई पुराना ऐसा मित्र मिल सकता है जिससे आप अपने गिले शिकवे दूर कर सकेंगे और पुरानी बातें भी करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। और आप यहाँ अपनी माताजी के लिए भी कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। बाकी ये समय ऐसा होगा, यहाँ पर आप सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके मित्रों की संख्या में इजाफा होगा। दोस्तों आपके द्वारा किए गए कामों की अगले 5 दिनों में सराहना होगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और अगर बात करें प्रेम संबंधों की, अगले 5 दिनों के अंदर जी रहे लोगों ने अपने साथी को अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिलवाया है, यानी कि आप किसी से प्रेम करते हैं और अपने परिवार से आपने नहीं मिलवाया है, तो अब अगले 5 दिन इस काम के लिए बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। तुला राशि वालों, अब समय आ चुका है उपाय के बारे में बात करने का। देखिए, पहला उपाय है, अगर आपके घर लगातार पैसों की समस्या है, किल्लत है, या फिर आपके घर में पैसा नहीं टिक पा रहा है, तो इसके लिए आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाकर अर्पित जरूर चढ़ाना शुरू करें, यानी पानी में थोड़ा दूध मिलाकर। इसके साथ ही इस दिन आपको रुद्राक्ष की माला का जाप करना है, 108 बार रुद्राक्ष की माला का आपको जाप करना है, या फिर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो दोस्तों ये उपाय आप जल्दी करें, आपके जीवन का तमाम संकट बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा एक और उपाय आपको बता दें,
देखिए, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं अगले 5 दिन के अंदर, या फिर मंगलवार की रात को 1 गिलास दूध अपने सिरहाने रखकर सो जाएं, और अगले दिन स्नान करने के बाद बबूल के पेड़ की जड़ में या पीपल की पेड़ के जड़ में उसको डाल देना है। तो ये उपाय करें। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।